ये रुकिए राजन, ऐसी भी क्या जल्दी है? आपने परोपकार की परीक्षा तो पार कर ली, लेकिन राजन ये मेरे मित्र का सिंहासन है जिसे पाना आपके लिए असंभव है। मेरे महान मित्र का सिंहासन। आगे की परीक्षाएं और भी कठिन है। मैं हर परीक्षा में सफल होऊंगा। और ऐसा ना हो तो? और ऐसा हो गया तो? तो ये बेताल एक एक वर्ष तक बिल्कुल चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा और मौन रहूंगा ऐसे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा श्रीमान बेताल। मैं चुनौती के लिए तैयार। जय महाकाल। सम्राट विक्रमादित्य के 32 गुणों से संपन्न इस दिव्य सिंहासन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। बेताल ने राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य की बराबरी करने हेतु उनसे पराक्रम, त्याग, न्याय, चरित्र तथा योग शक्ति की परीक्षा ली, जिसमें राजा भोज उत्तीर्ण हुए थे। किंतु अभी परीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी। राजा भोज ने सम्राट विक्रमादित्य के 32 गुणों की बराबरी करने के लिए उत्तरदायित्व, पुरुषार्थ, कर्तव्य, विवेकशीलता, मित्रता, आत्मसम्मान और नारी सम्मान जैसे गुणों की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ये सिद्ध कर दिया कि उनमें भी सम्राट विक्रमादित्य के समान 32 गुण जितनी क्षमता है। प्रणाम देवी। राजन, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि इस सिंहासन को प्राप्त कर इस पर विराजमान होने के लिए आप में सम्राट विक्रमादित्य जितने 32 गुण विद्यमान हैं। इसीलिए अब आप सिंहासन 32 की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद देवी। अपनी पहली परीक्षा में पराक्रमी राजा भोज ने नाग कन्या के पुत्र की अपने पिता रुद्रांत से रक्षा कर सफलता प्राप्त की थी। क्षमा करें राजन, आपके मन का पराक्रम जीत गया, मेरा पराक्रम हार गया। परीक्षा की सीढ़ियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राजा भोज त्याग की सीढ़ी पर पहुंचे, जहां उनका सामना पक्षीराज से हुआ। त्याग की भावना को परिभाषित कर राजा भोज ने अपने शरीर को पक्षियों के भोजन के लिए समर्पित कर दिया और एक महान त्यागी के रूप में इस परीक्षा में भी सफल हुए। विजेता होने से पहले मैं एक मनुष्य हूं और मनुष्य का पहला धर्म है किसी के प्राण की रक्षा कर। अपने जीवन को त्याग कर। यदि एक जीवन को त्याग कर तो एक जीवन का भला हो, तो इस जीवन को त्याग देना चाहिए पक्षीराज। त्याग की इस परीक्षा में सफलता करने के बाद राजा भोज ने न्याय की सीढ़ी पर अपना कदम रखा। यहाँ पर उन्हें एक भीलनी व कबूतर के साथ न्याय करना पड़ा।
धन के अभाव में राजा भोज को चांडाल तक बनना पड़ा, वो भी कबूतर के जीवन के साथ न्याय के लिए। और इस प्रकार से इस न्याय की परीक्षा को भी उन्होंने पार किया। अब ये सब कुछ आपका है, इसे स्वीकार करें और मुझे आज्ञा दें। आपने मनुष्य और पशु दोनों को न्याय के तराजू में बराबर तोला, मेरे लिए इतना ही बहुत है। न्याय की परीक्षा के बाद राजा भोज चरित्र की परीक्षा की सीढ़ी की ओर बढ़े। उस परीक्षा में उन्हें कपटी ऋषि नीलमणि के चरित्र को उजागर करना था, जिसमें वे सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजा, आज के बाद मेरे साथ साथ पूरी स्त्री जाति आपकी आभारी रही। चरित्र की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर राजा भोज योग की परीक्षा के लिए तैयार हुए, जिसमें उन्होंने अपनी योग शक्ति द्वारा राजा सूरजभान के शरीर में प्रवेश कर शक्तेश्वर नामक बुरी आत्मा के आतंक को समाप्त कर इस परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की। ये तो बस महाकाल का आशीर्वाद ही है कि मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को महाराज के शरीर में प्रवेश करा के उन्हें जीवित कर पाया। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? विनाशकारी शक्तेश्वर के उत्पात को रोकना। हमने आप राजा, जो प्रजा की भलाई के लिए आपने अपने जीवन को दाव पर लगा दिया। योग शक्ति की परीक्षा में भी सफलता। इसके बाद राजा भोज परोपकार की परीक्षा देने के लिए आगे बढ़े। उस परीक्षा में वे शंख लोक के शंखासुर नामक दुष्ट का अंत कर मत्स्यगंधा को मुक्त कराने में सफल हुए। राजन, हमारी सहेलियां आपका स्वागत कर रही हैं। राजन, आप हमारी राजकुमारी मत्स्यगंधा को वापस ले आए, हमारे बुझे हुए मन में खुशियों के दीप जलाए। परोपकार की परीक्षा के उपरांत उत्तरदायित्व की परीक्षा में राजा भोज ने अपनी पत्नी महारानी बल्लरी के प्राणों की रक्षा हेतु ऋषि शांडिल्य से जीवंती विद्या सीख पूर्णमासी की मध्य रात्रि नील सरोवर से नील कमल प्राप्त कर महारानी बल्लरी के जीवन की रक्षा की तथा उत्तरदायित्व की परीक्षा में सफल हुए। Thank you.
दायित्व की परीक्षा के पश्चात राजा भोज की पुरुषार्थ की परीक्षा हुई थी, जहां उनका सामना वेदों की चोरी करने वाले अश्वलोक के राजा से हुआ था। पुरुषार्थी बन राजा भोज ने उसे परास्त किया था और वेदों की रक्षा कर पुरुषार्थ की परीक्षा में सफल हुए थे। सिंहासन बत्तीसी को प्राप्त करने के पथ पर चलते हुए राजा भोज की कर्तव्य की परीक्षा हुई और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बंग प्रदेश के कुटिल राजा की कैद से देवी गौतमी को मुक्त कराया और कर्तव्य की परीक्षा में सफल हुए। किंतु आप हैं कौन जिसने इतना बड़ा संकट मोल लिया? कर्तव्य के पालन में संकट कैसा? कर्तव्य तो एक धर्म, धर्म को निभाने में आनंद आता है, हर्ष आता है। कर्तव्य की परीक्षा के बाद राजा भोज की अगली परीक्षा हुई विवेकशीलता की। इस परीक्षा में विवेकशील राजा भोज ने तांत्रिक भृंगराज का माया जाल खंडित किया और विवेकशीलता की परीक्षा में सफल हुए। विवेकशीलता की परीक्षा में सफलता के पश्चात राजा भोज ने मित्रता की परीक्षा दी और अपने मित्र आदित्यनाथ को विषकन्या के प्रभाव से मुक्त करा, अपने मित्र के द्वारा त्यागी गई उसकी पत्नी से उसका मेल कराया और मित्रता की परीक्षा में सफल हुए। राजा भोज की परीक्षाओं का क्रम यही नहीं समाप्त हुआ। मित्रता की परीक्षा के बाद राजा भोज के सामने आत्मसम्मान की परीक्षा आई,
जिसे गंगू और तेलम ने अपनी कुटिलता से ठेस पहुंचाने की चेष्टा की, किंतु राजा भोज ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए उनका असली रूप उजागर किया। राजा भोज नारी सम्मान की परीक्षा में भी सफल हुए और इस प्रकार प्रश्नों और परीक्षाओं के भंवर को पार करते हुए राजा भोज ने शेष गुणों की परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त की और सिंहासन बत्तीसी की ओर बिना रुके बढ़ते चले गए। पछता रहा हूं मैं कि क्यों मैंने ऐसा दावा किया। अब एक साल तक मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बस ऐसे ही मन ही मन में बोलता रहूंगा, क्योंकि एक एक करके मैंने राजा भोज की परीक्षाएं ली और एक एक करके वो हर परीक्षा में सफल होते रहे और एक एक करके वो हर सीढ़ी चढ़ते भी रहे। और अंत में 32वीं सीढ़ी भी वो चढ़ गए। बेताल की सोच गलत साबित हुई। राजा भोज ने आखिर ये साबित कर दिया कि उनमें सिंहासन को प्राप्त करने और सिंहासन पर विराजमान होने के सभी गुण मौजूद हैं और वो एक एक करके 32 सीढ़ियों को पार करते हुए 32 परीक्षाओं में सफल होकर सिंहासन पर विराजमान हुए। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है बल्कि प्रसन्नता है कि आखिरकार मेरे मित्र चक्रवर्ती शूरवीर महान सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन को सही उत्तराधिकारी मिला, जिसमें वो सारे 32 गुण मौजूद हैं जो इस सिंहासन को धारण करने के लिए चाहिए। आज मैं बेताल बहुत संतुष्ट हूं और अब राजा भोज इस सिंहासन को लेकर जाएंगे अपनी नगरी उज्जैनी और वहां जाकर इस पर विराजमान होंगे और मैं जाऊंगा अपने प्रेत लोक, जहां मेरी बेतालनी सौंदर्य लेखा मेरी प्रतीक्षा में होगी। जय हो सिंहासन, जय हो बत्तीसी, जय हो बेताल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.